वी बुक द टिकेट्स। देखो जो हम दुबई का जो टूरिस्ट वीजा करवाते हैं ना, ठीक है, अलग अलग सी वेबसाइट्स हैं। कई बार क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में वी प्रोसेस द दुबई वीजा विद एमिरेट्स। हम टिकट बुक करते हैं एमिरेट्स पे, और जो हमारा पीएनआर होता है उसको हम एमिरेट्स की वेबसाइट पे डालते हैं। क्लियर? ओके, देखो ये स्टेप्स हैं कुछ। नंबर टू, वी अप्लाई यूए वीजा दिस सम यू नो ऑन एन एप्लीकेशंस। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां से हम अपने दुबई के वीजा को प्रोसीड करते हैं। क्लियर? मैं तो सर बताता हूँ आपको। मैं लेट मी ओपन दिस वन सेकेंड। एक ना मैं आपको वेबसाइट व्हाट्सएप कर रहा हूँ, एक सेकेंड होल्ड करूँ। ये ना एक वीएफएस की वेबसाइट है। ओके, व्हाट्सएप चेक करो आप। इसको ओपन करो आप। क्लियर? बेसिकली क्या है, दिस इज एमिरेट्स इन कोलैबोरेशन ऑफ वीएफएस ग्लोबल। ओके, वीएफएस का मतलब क्या है? वीजा फैसिलिटेशन सर्विस। ओके, अब आप देखो यहाँ पे, चूज अ रेंज फ्रॉम अ रेंज ऑफ वीजा ऑप्शन टू सूट योर नीड्स। यू हैव 30 days, 4 days, 2 days एंड 9 days वीजा। इज इट क्लियर टू यू? इस 30 days के वीजा पे जो ये ऑप्शन दिया हुआ 90 days, देखो अलग अलग टाइप के वीजाज हैं। क्लियर? ओके, अगर आप हाँ नेशनल्स हो, अगर आप बाहर के नेशनल्स हो, क्लियर हो रहा है आपको? ये आपके जो ये आपको करना कुछ भी नहीं है, जस्ट यू हैव टू सेंड द एप्लीकेशंस। क्लियर? नंबर एक। अपने डायरेक्टली होलसेलर्स भी हैं, मैं आपको उनके, सबसे पहला होलसेलर है, चेक द व्हाट्सएप प्लीज, व्हाट्सएप चेक करो आप। हाँ जी सर, बहुत बड़ा होलसेलर है ये, जो ओपन करो ये व्हाट्सएप जो मैंने भेजा आपको। हाँ जी, हाँ अब यहाँ पे दिखा हुआ है, दिख रहा है आपको रेट्स? जी, दुबई वीजा 14 डेज, हाँ इट कॉस्ट यू जी, 30 days वीजा, इट कॉस्ट यू 66,999 एंड 60 days इट कॉस्ट यू 10,999। क्लियर? इनको कांटेक्ट करने के लिए ये इनके नंबर से नीचे दिख रहा है आपको, ये बेसिकली एक सप्लायर है। इज इट क्लियर टू यू? हाँ अच्छा, इसमें ये नीचे आप आओ, दुबई वीजा टाइप्स, 48 आवर्स यूएई ट्रांजिट वीजा प्लस मेडिकल इंश्योरेंस 2,999, 96 आवर्स यूएई ट्रांजिट वीजा इट्स 4,599। क्लियर हो रहा है आपको? जी 14 डेज वीजा, तो ये सारे ना रेट लिस्ट है इसकी। ओके, तो हाँ ये दुबई का जी, जो ये मैंने जो आपको अभी भेजा है व्हाट्सएप, तो बेसिकली क्या, इसके कॉल सेंटर्स हैं, इसका ईमेल एड्रेस है, आप स्क्रॉल डाउन करो और वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को व्हाट्सएप भी कर सकते हो।
क्लियर हो रहे हैं? इनसे बात करके यू डू द व्हाट्सएप एंड योर वीजा विल बी प्रोसेस्ड, क्योंकि जितने भी आपके टूरिस्ट के जो प्रोसेस है ये, ठीक है, दुबई। अब जैसे हम लोग कल दुबई का वर्क परमिट कर रहे थे, ठीक है, एंड वी हैव अ सप्लायर नंबर, क्लियर हो रहा है? दुबई के वीजा के लिए आपको सप्लायर्स होते हैं इसके, इसके ना बेसिकली इसके भी जीएसएस होते हैं, कुछ कुछ एजेंसीज ऑथराइज होती हैं दुबई की वीजा को प्रोसेस करने के लिए, और फिर हम लोग सारे जो प्रोसेसिंग है उनके थ्रू करते हैं। क्लियर हो रहा है? सर अब देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं नीचे, अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे, पूरन गाइड दुबई ट्रैवल गाइड है, उसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, दुबई पास ट्रैवल न्यूज, ठीक है, अगर आप उसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो देर लोड ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव, क्लियर। उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट और दे रहा हूँ, आपको उसको भी एक्सप्लोर करना है। एक सेकेंड, लेट मी ओपन दिस। चेक योर व्हाट्सएप, मिला व्हाट्सएप, हाँ इसको, जी, कर लिए। ठीक है, तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी दुबई वीजा की, ओके, व्हाट इज दुबई टूरिस्ट वीजा, व्हाट इज द टूरिस्ट वीजा फीस फॉर दुबई, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है कि जो एक्सप्रेस वीजा है वो 2665 का है, 48 आवर्स का वीजा है 900 रुपीज का, 96 आवर्स का वीजा है 2020 का, यही एक्सप्रेस वीजा की प्राइस है 3700। इज इट क्लियर टू यू? 90 डेज का वीजा है, दैट इज 15515, एंड मल्टीपल एंट्री वीजा है 37545, और एक्सटेंशन फॉर अ वीजा प्राइस इज AED 600। क्लियर हो रहा है आप? तो इसको आप सारा एक्सप्लोर करोगे, व्हाट इज अवेलेबिलिटी ऑफ दुबई टूरिस्ट वीजा फॉर इंडियंस, क्लियर। सदुल जी हाय, हाउ आर यू? अच्छा अच्छा अच्छा, आप ना इनको देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द दुबई टूरिस्ट वीजा, कि जैसे आपने दुबई के वो किए थे मेरे साथ, कर है आपने दुबई का पैकेज मेरे साथ अभी? सर, सरदुल जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी तो हम लोग ने दुबई का पैकेज किया, दुबई के साइट सीइंग एंड द क्रूजेस। सर, चलो मैं अभी करवा भी देता हूँ अभी दोबारा से आपको। देखो सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कस्टमर आ रहा है जिसको दुबई जाना है, तो पहला वीजा का प्रोसेस देखोगे, क्लियर। तो वीजा लगाने के अपने बहुत सारे वेज हैं। एक तो हम क्या करते हैं, एमिरेट्स की वेबसाइट के थ्रू वीजा लगवाते हैं। कैसे करना है आपको, टिकट जो आप बुक करोगे गैलीलियो पे या किसी भी सॉफ्टवेयर पे, तो उसका एक पीएनआर नंबर होता है, जो आप पीएनआर नंबर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड नंबर जो होता है, क्लियर। वो कैसे करना है सरदुल जी, आप पहला लिंक खोलो, जो सबसे पहला लिंक भेजा मैंने आपको, ओपन करो, है ना, ये दुबई वीजा डॉट नेट सदुल जी, देखो इसको ओपन करो। देखो हो गया? होगा कुछ हाँ, ये जो दुबई वीजा डॉट नेट है, बेसिकली ये एक एमिरेट्स और वीएफएस का वेब, सी वीएफएस का मतलब क्या होता है आपका, दिख रहा है आपको वीएफएस ग्लोबल, दिख रहा है आपको ये वीएफएस? हाँ जी, हाँ उसको इसको जब ओपन करोगे तो दिख रहा है आपको ये दुबई
VFS ग्लोबल दिख रहा है आपको? ऊपर यस। तो बेसिकली क्या है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन है आपकी कि आपका प्रोसेस है अप्लाई। बेसिकली दुबई के भी अपने सप्लायर्स है वीजा प्रोसेस करने के, क्लियर? लेकिन देखो इसको अगर ओपन करते हो तो दिखा रहा है वो कि इसको अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट। स्टेप वन क्या है, यू बुक योर टिकट्स, दिख रहा है आपको स्टेप वन? वंस यू हैव अ वैलिड PNR, लॉग ऑन टू emirates.com, दिखा रहा है ये। फिर वो कह रहा है कि वहां पे ऑप्शन है मैनेज योर बुकिंग का, एंटर योर बुकिंग डिटेल्स एंड क्लिक द रिट्री बुकिंग। मतलब बुकिंग डिटेल्स क्या डालनी है कि आपको अपना PNR नंबर होता है एक, ओके, बुकिंग रेफरेंस नंबर, और एक आपको लास्ट नेम, वो डालना है और क्लिक करना है रिट्रीव पे, ठीक है? अच्छा अच्छा, जब उसको क्लिक करोगे तो वहां पे आपको ऑप्शन आएगा स्टेप टू पे, अप्लाई फॉर योर UAE वीजा। क्या आएगा ऑप्शन? अप्लाई फॉर आईकॉन चाहिए। UAE वीजा, और वहां पे आप क्लिक करोगे क्लिक फॉर अ UAE वीजा ऑप्शन अंडर एडिशनल सर्विस। मतलब जैसे एडिशनल सर्विस क्या होती है कि वहां पे मीट एंड असिस्ट, कि आपको वहां पे मीट एंड असिस्ट क्या होता है कि पिक एंड ड्रॉप, समझ आ रहा है आपको? कुछ वहां का दुबई का कुछ रिसोर्स एंड साइट सीइंग, जो भी आपको एडिशनल सर्विस चाहिए वहां पे, समझ आ रहा है? स्टेप थ्री में क्या आएगा, प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपको पूरी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर रीड ऑन करना है और वहां पे कंटिन्यू करना है। रीड द नोटिस केयरफुली एंड प्रोसीड टू द ऑनलाइन एप्लीकेशन मॉड्यूल बाय क्लिकिंग द कंटिन्यू टू वीजा एप्लीकेशन बटन, और यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे, क्लियर? नीचे देखो, अप्लाई ऑनलाइन, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर अ दुबई वीजा यूजिंग अ न्यू एडवांस प्लेटफॉर्म, ओके। ये एक आपकी ना वेब एप्लीकेशन है, क्या है टीम आपका? ये आपका प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन है, ये वहां पे अगर आप इसको करोगे ना, इसको VFS ग्लोबल एमिरेट्स, क्लियर? तो आपका दिख रहा है टीम आपको ये? देखो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, दिख रहा है आपको वेब जो मैंने भेजा आपको वेबसाइट पे? तो वहां पे कुछ भी नहीं है, इसको आप, इतना सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये ठीक है, दैट्स फाइन। बट इसके सप्लायर्स भी हैं अपने, आप इसको अपने खुद, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज्यादा नहीं है, दो दो हजार 3-3 हजार के वीजा सही। तो अगर आपको अपना इतना हेडक नहीं लेना है तो आप इसको, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है वो उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन से अपना वीजा प्रोसेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू? लेकिन इसका एक ऑफलाइन प्रोसेस भी है, क्लियर? अब ये जो मैंने पहला पहला आपको लिंक भेजा था, सेकंड लिंक पे आप आओ सरदुल जी, सेकंड लिंक को ओपन करो। किया आपने ओपन? हाँ जी सरदुल जी, आई एम टॉकिंग टू यू, हेलो हेलो। सरदुल जी, आई एम टॉकिंग टू यू, दरअसल आवाज आ रही है आपको मेरी? सेकंड लिंक को ओपन कर। हो गया ओपन। हाँ हो गया सर। ऊपर अप्लाई फॉर माय वीजा। नहीं, इसको जो सेकंड लिंक मैंने भेजा आपके व्हाट्सएप पे, हाँ वही किया हुआ है। ओके, दुबई टूरिस्ट वीजा फॉर इंडियन। यस। तो ये देखो कॉस्ट क्या दिखा रहा है आपको, देखो सबसे स्क्रॉल डाउन करो, दुबई वीजा टाइप्स, 48 आवर्स UAE ट्रांजिट प्लस मेडिकल इंश्योरेंस, इट कॉस्ट 2,999, क्लियर? 96 आवर्स वीजा, इट्स 4,599, दिख रहा है आपको? वीजा टाइप पे आप आओ नीचे, दुबई वीजा टाइप्स आ रहे हैं, 14 डेज, 30 डेज, 60 डेज, नीचे दो स्क्रॉल डाउन करोगे आप, थोड़ा सा नीचे जाओगे, दिख रहा है वीजा टाइप्स? हाँ जी,
तो जल्दी रिस्पॉन्स करोगे ना? तो अभी नीचे जब इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, रीड डाउन करना, नीचे दिखा ना दुबई वीजा टाइप्स। नहीं ठीक जैसा जैसा है, फिर दुबई सुपर एक्सप्रेस टूरिस्ट वीजा प्लस मेडिकल इंश्योरेंस। ठीक है, फोर्टीन जैसा डेज 30 डेज सुपर एक्सप्रेस वीजा, 60 डेज यूएई सुपर एक्सप्रेस वीजा। ठीक है, जैसा ओके। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर दुबई वीजा एप्लीकेशन, वी हैव टू स्कैन अ कलर कॉपी ऑफ द पैन कार्ड। दिख रहा है आपको जैसा ये डॉक्यूमेंट क्या लेने हैं? स्कैन कलर कॉपी ऑफ द फर्स्ट पेज एंड द लास्ट पेज ऑफ योर पासपोर्ट, ये स्कैन करना है आपको। द पासपोर्ट शुड बी वैलिड फॉर द लास्ट एटलीस्ट 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न इन इंडिया विद अ मिनिमम ऑफ 2 blank pages। स्कैंड कलर कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टेकन अगेंस्ट अ व्हाइट बैकग्राउंड, सो द फोटोग्राफ शुड बी विद अ व्हाइट बैकग्राउंड। ओके, एंड अ कंफर्म एयर टिकट। तो ये स्कैन करके वी सेंड दिस डॉक्यूमेंट टू दिस गाइस। इज इट क्लियर टू योर टीम? जैसे ओके, उसके बाद एक आपका क्या होता है, ओके टू बोर्ड सर्विस होती है। ओके टू बोर्ड लिखो प्लीज। जब दुबई में आप ट्रैवल करते हो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो इसमें लिखा हुआ है दुबई वीजा प्राइस डजंट इंक्लूड ओके टू बोर्ड चार्जेस। लिखा हुआ है ओके टू बोर्ड? हाँ जी सरदूल जी, इसको बताओ ना मुझे। जैसा लिखो, ओके टू बोर्ड नहीं कोड ओके टू बोर्ड देखो ओके टू बोर्ड क्या होता है बेसिकली, जब आप इंडिया से फ्लाई कर रहे हो दुबई के लिए, ठीक है, ओके टू बोर्ड एक मैंडेट सर्विस होती है। इट मींस जिस पीएनआर नंबर पे, जिस टिकट नंबर पे आप ट्रैवल कर रहे हो, दुबई में जो आपका वीजा प्रोसेस कर रहा है, जो भी सप्लायर, चाहे वो एमिरेट्स हो चाहे वो एक्सवाइजेड सप्लायर हो, ठीक है, वो वहां के लोकल सिटी ऑफिस दुबई में जिस फ्लाइट पे आप ट्रैवल कर रहे हो वहां पे एक इंफॉर्मेशन डालनी जरूरी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इस सप्लायर के साथ अपना वीजा प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है, आई हैव गिवन माई कन्फर्म टिकट एंड आई थिंक एंड यूजर आपका वीजा भी आ गया, क्लियर। लेकिन माई टीममेट्स, एक ओके टू बोर्ड सर्विस होती है। बेसिकली वो क्या होता है, ओके टू बोर्ड का मतलब कि मान लो आपका इस सप्लायर ने वीजा प्रोसेस किया, तो इस सप्लायर का बंदा उस जिस एलियन पे आप ट्रैवल कर रहे हो उस एलियन के सिटी ऑफिस में एक मैसेज पास करवाता है, लोकल मैसेज, कि मेरे इंडिया से ये ट्रैवलर आ रहा है इस पीना नंबर के अगेंस्ट, इसमें आप ओके टू बोर्ड मैसेज डाल दो। इज इट क्लियर टू यू? जैसा अगर ये ओके टू बोर्ड नहीं डलता है मैसेज, तो आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे, नो मैटर्स कि आपके पास वीजा है टिकट्स है। इज इट क्लियर टू यू? समझ आया तेजपाल जी? जैसा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लीज प्रोवाइड द फ्लाइट टिकट कॉपीज 48 आवर्स बिफोर योर डिपार्चर टू अपडेट द ओके टू बोर्ड। अब ये क्यों चल रहा है ओके टू बोर्ड? क्योंकि टीम, कई बार क्या होता है टीम, आप एक सिंपल आईटीटी दे देते हो टिकट वीजा के लिए, ओके, वीजा आपने ले लिया, आप आओगे नहीं आओगे वी आर नॉट श्योर, क्लियर। इसी रीजन से ये दुबई के लिए इन्होंने ओके टू बोर्ड मैंडेट किया है। इज इट क्लियर टू यू? सर, क्लियर? अब मैंने जो वीजा अप्लाई किया था एमएमटी से, उसमें उन्होंने लिखा है ओटीपी नॉट रिक्वायर्ड।
कुछ कुछ केसेस में नहीं है कि मे बी ओटी ओकिट वो नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन हम एक बार अपने सप्लायर से पूछते हैं कि इसमें ओकिट वो रिक्वायर्ड है या नहीं है। इज इट क्लियर टू यू? सर, उसमें वो इश्यू है जो 10th पास नहीं है, जो पासपोर्ट जिसके को पासपोर्ट होल्डर है जिसको 10th पास नहीं है उसको ओटीपी रिक्वायर्ड है। नहीं वो ठीक है, लेकिन रूल्स, अब जैसे ये अगर मैं बात करूं 4 महीने पहले के रूल पे, तो वहां पे ओटीपी इन्होंने एकदम से खोला था कि वी रिक्वायर्ड एन ओटीपी। अभी इन्होंने क्या मैं रूल निकाला था, दुबई एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि जिस चाहे आप बहुत एजुकेट, चाहे आप डॉक्टर हो, लेकिन अगर आपके पासपोर्ट पे खाली गिवन नेम है और लास्ट नेम नहीं है, यू कैन नॉट ट्रेवल। लेकिन अब वो रूल चेंज हो गया, इसी रीजन से हम अपने सप्लायर से हर एक इंस्ट्रक्शन पूछेंगे कि आपको पता होना चाहिए इज इट ऑकेट बोर्ड रिक्वायर्ड। नो ऑकेट बोर्ड इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ डेज, बट मे बी सडनली आफ्टर 15 डेज, क्योंकि ये चीजें हो रही है, ऑकेट बोर्ड एकदम से आ जाएगी, वी नीड ऑकेट बोर्ड मैसेजेस। क्लियर? जो हमारा वीजा प्रोसेस कर रहा है, वी हैव टू आस्क हिम और हर कि इज इट मैंडेट, इफ इट इज मैंडेट यू गो, अदरवाइज जो सप्लाई मिल से ओके टू बोर्ड, आपने तो बताया नहीं था करवाना है, तो मुझे कैसे पता लगेगा? इज इट क्लियर टू यू? नंबर टू, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं हाउ कि आपका वीजा रिजेक्शन का, देखो नीचे आप आओ, इसमें लिखा हुआ है रीजन फॉर दुबई वीजा रिजेक्शन। मुझे जी क्यों बता रहा हूं, छोटा सा एरर भी एप्लीकेशन पे है, मिस्टेक है, तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा इफ यू आर अ फीमेल बिलो द एज ऑफ 23 ट्रेवलिंग अलोन, योर वीजा में रिजेक्ट। वैसा तो नहीं है, अब ऐसी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो ट्रेवल करती हैं, बट इट इज समथिंग यू नो, एक प्रोसेस है जो आपको पता होना चाहिए, एंड यू आस्क फ्रॉम द सप्लायर। ओके, इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, कई बार क्या होता है कि आपने दुबई का वीजा अप्लाई किया बट यू डिड नॉट ट्रैवल, आप दोबारा अप्लाई कर रहे हो तो वीजा रिजेक्ट हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर टू यू? सो दे आर वेज, अगर मान लो कोई ऐसा कस्टमर आता है कि मुझे दुबई जाना है, बहुत ध्यान से समझना, सी टेलिंग यू कि आपको एस्केलेशंस ना आए। कस्टमर ने आपको बताया कि मुझे दुबई जाना है और दुबई वीजा मुझे लगवाना है। क्लियर? ओके, अच्छा तो उसका ऑलरेडी दुबई वीजा लगा हुआ है, उसने बोला मैं ऑलरेडी मेरा दुबई वीजा है, एंड आपने बोला दैट्स फाइन, आपका लगा हुआ है तो आपका लग जाएगा, बट क्या उसके पास स्टैंपिंग है, एयरपोर्ट स्टैंपिंग की, क्या वो ट्रैवल की? कई बार हम दुबई वीजा ले लेते हैं बट वी डिड नॉट ट्रैवल, तो उस केस में एम्बेसी में रिजेक्ट कर दे आपका केस। तो हमें इंफॉर्मेशन क्लाइंट से लेनी है कि ऐसा कोई सिनेरियो तो नहीं है आपका। इज इट क्लियर टू यू? क्लियर हो रहे हैं? तो दुबई वीजा का देखो, एक ओपन करो, एक और नेक्स्ट आप लिंक ओपन करो, थर्ड लिंक, ये भी एक अच्छा सप्लायर है दुबई का। बेसिकली ओपन किया आपने, ठीक है, तो इन को आप रीड ऑन करोगे, सिंपल प्रोसेस है दुबई का, ठीक है, जिसमें 48 आवर्स का वीजा है, 900 रुपीज का। देखो नीचे आप आओ, व्हाट इज द टूरिस्ट वीजा फी फॉर दुबई? फोर्टी एट आवर्स 900, एक्सप्रेस वीजा 2665, 96 आवर्स वीजा 2020 INR, 30 डेज वीजा 6390, ओके, 90 डेज का वीजा 15,000, और अगर वहां पे एक्सटेंशन कराते हो 3600 AED। इज इट क्लियर टू यू टीम? सर, ठीक है, जैसे मेरा वीजा 6 जनवरी तक है, उसको एक्सटेंशन भी करवा सकते हैं कुछ महीना, ऐसा कुछ होता है सर? हाँ, आप सप्लायर से कांटेक्ट कर सकते हो, इन सप्लायर से, ठीक है। एक्सटेंशन के लिए अगर वहां पे अगर आप हो, फॉर एग्जाम्पल, इसके दो केसेस होते हैं, नहीं, यहाँ से जाया नहीं गया ना, हमसे अभी पोस्टपोन हुआ हमारा ट्रिप, ऐसे पोस्टपोन कुछ हुआ है होता है? तो बड़ा बड़ा भी इन सप्लायर से कांटेक्ट करो,
पोस्टपोन किसी से मतलब भी कर सकते हैं क्या, हाँ उसी से, किससे भी जिससे कर लो, पहले लिया। सारे अच्छे सप्लायर हैं ये, क्लियर। ओके अगर आपको एक्सटेंशन कराना है, एक नंबर मैंने आपको और भेजा था कल, जो सब जो मोबाइल नंबर था, कल जो दिया था हाँ उससे कांटेक्ट करो आप एक बार, या फिर आप इन नहीं तो वो तो एक वर्क परमिट के सप्लायर्स हैं, क्लियर। तो मे बी जी। आप जो मैंने आपको ये वाला नंबर दिया ना, ये सेकंड लिंक जो दिया है, सेकंड लिंक है जो कॉल सेंटर में जो ट्रैवल एक्सपर्ट बैठा हुआ है उनको व्हाट्सएप भी एक बार आप करके देखो, ओके कि आई ऑलरेडी हैव अ वीजा। अभी आपने ट्रैवल नहीं किया दुबई के लिए, नहीं किया, नहीं सब पोस्टपोन हुआ है अभी। 6 तारीख तक है ना, 6 जनवरी तक, पर हमारा प्लान 20 के बाद का अभी। तो आप इसको ना एक्सटेंड करवा लो, क्योंकि वो एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि आप वीजा लेते हो दुबई का एंड यू डिड नॉट ट्रैवल, क्लियर। हाँ जी, वही एक्सटेंशन इनसे ही होगा भाई, एक बार जो इनको ना दिया है व्हाट्सएप भेजो, आपने। क्या करो इनको एक व्हाट्सएप भेजो, इनसे फोन में बात करो एक बार कि ऑलरेडी हैव अ वीजा, ओके बट अभी मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहे तो उसका एक कोई रीजन हम सबमिट करेंगे, फिर जब आपका वीजा अप्लाई करेंगे दोबारा, कोई भी ऐसा कोई एक सॉलिड रीजन, कोई भी ऐसा एक डॉक्टरी कोई प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, क्लियर। इज इट क्लियर टू यू? वैसे ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है रिजेक्ट। मैं वैसे आपको ना एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि बहुत अगर हम माइनस में जाएं, वर्स्ट सिनेरियोस, तो उस केस में क्या होगा, अभी आप एक्सटेंशन की बात मत करना, क्योंकि वी आर यू आर नॉट श्योर कि मुझे अब कब ट्रैवल करना है आगे, क्लियर। तो आप एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन ना आज की डेट की तैयार करवा लो, वैसे ही किसी डॉक्टर से बात करके, सो दैट कि जब हम वीजा अप्लाई करें तो हम ये डाल दें कि इट्स अ मेडिकल कंडीशन हैपन एंड आई कुड नॉट ट्रैवल, क्लियर। फिर भी इन बंदों से एक बार आप हाँ बात करो, ओके जी, या फिर मैं भी एक बार चेक करता हूँ कि इसका क्या और हम कर सकते हैं एक्सटेंशन में, क्लियर। बिल्कुल सर। ओके नंबर वन, हाँ जी, अब इसमें शेड्यूल जी, देखो मान लो ये कॉस्ट आपको पड़ रही है वीजा की 5 या 6 हज़ार रुपए, क्लियर। देखो अकॉर्डिंग टू वीजा के आप उसको 96 साहब का वीजा थोड़ा सस्ता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप ना इस वेबसाइट पे जाके अब एक अकाउंट खुलवाओ होटल्स के लिए, होटल्स के लिए इस वेबसाइट पे जाके अपना आप अकाउंट खुलवाओ। इसके मिला आपको ये यस व्हाट्सएप प्लीज? सर, ओपन नहीं हो रहा सर, ओपन नहीं हो रहा ये। रुको एक सेकेंड, चेक योर सेकेंड व्हाट्सएप, देखो ये बेसिकली एक एजेंट का एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है फॉर यू नो द द होटेल्स। ऐसा चलो ठीक है, टिकट्स का भी है, लेकिन टिकट्स आपका गैलरी से ज्यादा बेस्ट रहता है। इसका ना आप क्या करोगे, इसको अपने को रजिस्टर्ड करोगे इस वेबसाइट के साथ, होटेल्स का जो रेट आपको लेना है, क्या करोगे आज इस वेबसाइट पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड करोगे, ठीक है, अपना अकाउंट खुलवाओगे, समझ आ रहा है आपको? क्योंकि जी ये एक एजेंट का बहुत मतलब होटल्स के ना इसके रेट्स एक बेस्ट है, विच हमने काफी बार
ऑब्जर्व किया है, होटल्स के रेट्स, हम लोग काफी एजेंट्स मतलब जितने बड़े बड़े सप्लायर्स जो भी हैं वो यहीं से होटल के रेट्स मंगवाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? सर, एक आपका बस मैं कुछ सप्लायर के आपको कॉन्टेक्ट दे रहा हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा एक चेन है आपका होटल्स का, इस पे ना आपको पहले अपने अकाउंट्स खुलवाने पड़ेंगे, चेक करो प्लीज। बेसिकली ये जो मैं आपको दे रहा हूं ना पोर्टल्स, दीज आर नॉट द पोर्टल्स, दीज आर द टूल्स, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन टूल्स, क्लियर? ओके, यहां पे सबसे पहले आप अपने आप को रजिस्टर करोगे इंद के साथ, सबसे पहला वाला जो मैंने आपको भेजा है उसके साथ भी और इसके साथ भी, अगर आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है ना यूरोप के जो होटल्स हैं हम इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से देखते हैं कि इसका क्या रेट है और इसका क्या रेट है। इज इट क्लियर टू यू? तो ये तो एजेंसी डिटेल्स मांगता है ना आगे। हाँ, आईटा नंबर मांगेगा आपका, एजेंसी डिटेल्स होंगी, ठीक है। सब कुछ मांगता है, अगर एजेंसी नहीं है जैसे अभी हमने कुछ नहीं किया स्टार्टिंग है उसमें कैसे एजेंसी तो होगा? आपकी होनी चाहिए ना, वो तो आप क्रिएट करोगे ना, तभी तो आप सीख रहे हो, क्लियर? उसमें एजेंसी कैसे रजिस्टर होगी सर फिर? आप एजेंसी के डिटेल्स दोगे ना, जैसे एमएसएमई हो गया आपका, कुछ हो गया, इनको डिटेल्स दोगे ना। एक बार इन पर्सन से, इनका ना सेल्स का पर्सन होता है जो मैंने पहला आपको दिया है, इस पर्सन का आपको मैं कॉन्टेक्ट नंबर ही भेजूंगा, यू डिस्कस द थिंग्स विद हिम, ओके। ठीक और इधर इनके कॉल सेंटर नंबर्स भी हैं, क्योंकि ना ये टूल्स होने जरूरी हैं। अब जैसे हम गैलीलियो सीख रहे हैं, मान लो एयर टिकट्स में, अब गैलीलियो की भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन है करवाने की, क्लियर? तो जो चीज हम सीख रहे हैं उसके टूल्स होने जरूरी हैं। अब जैसे हम दुबई की बात करें सरदूल जी, दुबई बहुत सिंपल है बेचना। दुबई में सबसे पहले मुझे बताएंगे अपना तेजपाल जी, आप ऑलरेडी मुझे दुबई कर चुके हो, क्लियर? तो दुबई में जब मैं पहली, मान लो मैं लैंड कर रहा हूँ दुबई में सरदूल जी, जी सर, और मेरी जो लैंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल मैं चेक इन कर गया 2 बजे, फॉर एग्जाम्पल, क्लियर हो रहा है तेजपाल जी? तो मुझे यस सर, आउट कर हो गया फर्स्ट डे, जिस दिन पहुंचा उस दिन आप मुझे क्या ऑफ कर सकते हो, टेल मी। अगर सर मॉर्निंग की फ्लाइट है फिर तो चेक इन होटल, अर्ली चेक इन करके होटल में जैसे पहले दिन ही बुक कर सकते हैं सफारी वहां से, 2 से 9 वाला जो होता है एक्टिविटी। नहीं, पहले दिन कैसे बुक करेंगे सफारी वाला? जिस दिन मैं पहुंचा मैंने कराया था आपको, देखो समझो इस बात को, ऐसे देखो उसकी आप प्रैक्टिस करोगे, उसको आप बनाओगे अपने आप। हम लोग क्या करेंगे, जिस दिन वो पहुंचेगा ना, क्लियर हो रहा है? अब उधर रेस्ट अच्छा भी गए होटल में क्योंकि थका होगा, ठीक है, यू नॉट श्योर पहले से ही चल के आए हो या कहाँ से चल के आए, क्लियर? तो उस रात को हम उसको एक डिनर का ऑप्शन देंगे क्रूज के ऊपर, क्योंकि सी अगर वो मान लो होटल में चेक इन करता है, क्लियर हो रहा है आपको, तो दो मान लो 5-6 बजे तक, शाम के 5-6 बजे तक रेस्ट भी करता है, ठीक है, उसको टाइम बचाने के लिए या फिर उसको एक अलग अलग एक्टिविटीज देने के लिए उस रात हम उसको एक डिनर क्रूज ऑफर करेंगे। देखो ये बनाना जरूरी है, तभी ये चीजें आप एक्सप्लेन करोगे क्लाइंट को, तभी वो लेगा आपसे ना, अच्छा एक्सप्लेनेशन जरूरी है आपका, ठीक है। इसको बोलते हैं डो क्रूज, क्या बोलते हैं इसको हम, डो क्रूज, तो
क्लियर हो रहे हैं। इसकी कोटेशन ज्यादा नहीं होती है, $50 का एक सिर्फ इसकी कोटेशन होती है डॉक रूज की। समझ आ रहा है टीम आपको? दस्तावेज अच्छा एक आपका, आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपको थोड़ा सा और एक्सपेंसिव जाना है, इंस्टेड ऑफ गिविंग डॉक क्रूज यू कैन गिव दुबई मैरीना। दुबई मैरीना विच इज अ लग्जीरियस डिनर क्रूज विच इज अ लग्जीरियस डिनर क्रूज विद लाइव म्यूजिक। एंड इट कॉस्ट यू $71-74, अप्रोक्सिमेट 64 से स्टार्ट होता है, इट गोज अप टू $71। इज इट क्लियर टू यू टीम? अच्छा मैंने ओके सर। मैंने इसके ना ऑलरेडी आपको सप्लायर्स भेजे, मैं फिर भी आपको सप्लायर्स भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप पे, ये सारे आपको सप्लायर्स आ रहे हैं। चेक योर दिस थिंग विच इज बाय एक्स। देखो इसको जब आप गूगल करोगे तो इस सप्लाई की पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास। ये बेसिकली एजेंट्स हैं दुबई के। समझ आ रहा है आपको टीम? मैं इसकी आपको, डॉक्टर इसको जब ओपन करोगे आप, ओके, तो इनकी पूरी इंफॉर्मेशन है, दे बेस्ड आउट एट दुबई ओनली। ये चेक मैं आपको भेज देता हूँ, चेक योर व्हाट्सएप प्लीज। डिनर क्रूज चाहिए? देखो ओपन करो इसको, इफ यू नीड अ डिनर क्रूज, ओपन करोगे डिनर क्रूज को आप, दिख रहा है आपको एक क्रूज? आपको ओपन करो इस वेबसाइट को, इस पोर्टल को, और यहाँ पे क्लिक करो डिनर क्रूज पे। करा आपने तेजपाल जी? हाँ जी करा आपने? सर दिखा आपको दुबई मैरीना सनसेट एंड डिनर क्रूज? यस सर अच्छा इसमें इसी कोटेशन में लिखी हुई है, प्राइस एडल्ट दुबई मरीना सीट लेफ्ट। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रहा है आपको? यस सर इसमें इसके मेन कोर्स भी लिखा हुआ है, क्या क्या होगा इसमें देखो आप। दिखा आपको? क्लियर टीम? यस सर तो जिस दिन वो लैंड करेगा तो उसको मैं ये पूरी सीनरी शो करूंगा। सर यू आप दुबई मेरीना ले सकते हो, आप डो क्रूज ले सकते हो। डो क्रूज इतना सस्ता है कि $37 का भी, $50 में बोला है। डो क्रूज का कोटेशन जो है पूरा क्वाइट हाफ है इससे, इट कॉस्ट अप्रोक्सीमेट $37 ऑल्सो। जो दुबई मेरीना है क्रूज वो आपका 1.5 घंटे का है। आप कस्टमर को बताओगे कि जो दुबई मेरीना है इट कॉस्ट कितना, टेल मी, ये 1.5 घंटे का टूर है, इट कॉस्ट $71। क्लियर हो रहे हैं? और सर। जो डो क्रूज है वो कॉस्टिंग पड़ती है आपकी $37 से स्टार्ट होता है वो, और वो 2.5 घंटे का टूर है। इज इट क्लियर टू यू टीम? यस सर वन सेकेंड, अच्छा जब फर्स्ट डे वो लैंड किया, अब मुझे बताओ तेजपाल जी दुबई कैसे आप सेल करोगे कि फर्स्ट डे उसने लैंड किया? क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी जिस दिन वो लैंड कर रहा है अब वो रेस्ट करेगा, तो हम उसको वी कैन ऑफ दिस टू क्रूजेस, टेल मी एस एंड नो। यस सर अभी दुबई मरीना जो है बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही प्यारा है। इसको देखो आप, देखा आपने दुबई मरीना को जो मैंने आपको हाँ भेजा जी टीम? हाँ जी
सर। तो ये सनसेट के टाइम पे हम इस क्रूज को ऑप्ट करते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। अच्छा वो वापिस आ गया, चलो होटल वापिस आ गया चेकिंग दोबारा से वो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग अब आप उसको क्या दे सकते हो? उसको टेस्ट पकड़ोगे कि सर नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे बताओ कि आपको क्या करना है। क्लियर? अगर वो कह रहा है कि यार एडवेंचर्स मुझे एक्टिविटी दो, तो हम उसको कंप्लीट 8 आवर्स का एक वाटर पार्क एक्वावेंचर कॉम्बो टिकेट्स होती हैं 8 आवर्स की, वो उसको हम ऑप्ट कर सकते हैं, वो दे सकते हैं। देखो डेजर्ट सफारी बुर्ज खलीफा इट्स फाइन क्लियर, लेकिन हम उसको कुछ एक नया कुछ हम देना चाहते हैं। उसको मैं बोलूंगा कि अगर आप लेना चाहते हो यू कैन टेक एक्वा वेंचर वाटर पार्क है वहां पे, ठीक है? पूरा वो 8 आवर्स का ट्रिप है और इसको बुक, इसका सप्लायर का मैं इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ आपको, ये वहां के सप्लायर्स हैं बेसिकली। इज इट क्लियर टू यू? ये वहां का सप्लायर का नाम है, इज इट क्लियर टू यू? और इसका जो बिल्कुल कोटेशन जो टिकट का जो कॉस्ट पड़ता है इसका, इट कॉस्ट $96। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रहा है? मेजरली जो पैकेजेस हैं टीम वो इसके थ्रू भी बुक होते हैं। इज इट क्लियर टू यू टीम? बिल्कुल। ओके की हाँ, कोई वेबसाइट भी है? ये तो नाम आया ना बस। इसकी वेबसाइट भी आपको मैं देता हूं। ये एक सप्लायर है, इसके थ्रू आप बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। इट इज नॉट फॉर दुबई ओनली। क्लियर? सर ये प्री बुक कराना पड़ता है कि वहां जाके भी हो जाता है? देखो होने को तो वहां जाकर भी हो जाता है प्री बुक में क्या, लेकिन ये है कि कई बार वहां पे जाके अवेलेबिलिटीज होती है नहीं होती हैं। क्लियर? वहां जाके तो हो ही जाता है। इज इट क्लियर टू यू? वैसे वैसे ठीक प्री बुक रहता है, यहां से करवा के जयपुर एयरटेल। ज्यादा बेस्ट रहता है, लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवलर हो और आपको एक्सप्लोर करना है कि यू आर नॉट श्योर कि मैं एक दिन कहाँ पे होऊंगा एक दिन कहाँ पे होऊंगा, सप्लायर से मिल के आना है, तो आप उसको कोई बुक मत कर। अगर आप जा रहे हो खाली सप्लायर से मिलने और अपने आप को एक्सप्लोर करने जा रहे हो, ठीक है? क्योंकि सप्लायर से मिलने में कितना टाइम लग रहा है, क्या लग रहा है, यू आर नॉट श्योर। ओके ओके नेक्स्ट। अच्छा इसका 8 आवर्स का टिकट है, इट कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेट $96। इज इट क्लियर टू यू? इसको बोलते हैं एडवेंचर वाटर पार्क। इज इट क्लियर टू यू माय टीम? सर। एक ना टीम आपका वाइल्ड वादी दुबई है, लेट मी शो यू। एक आपका वाइल्ड वाडी दुबई वाटर पार्क है, एंट्रेंस विद ऑप्शनल प्राइवेट ट्रांसफर इन दुबई। एक ऑप्शनल है बेसिकली। ओके इसका भी मैं सप्लायर की इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ, ये कॉस्ट पड़ता है आपका $68 का। इज इट क्लियर टू यू माई टीम? ओके ओके यस तो ये कुछ वहां पे वाटर एक्टिविटीज हैं अगर वो इंटरेस्टेड है क्लाइंट। ओके सो ये वहां का ना लोकल सप्लायर है। इस सप्लायर से, अच्छा इसकी वेबसाइट पे जाके ना यू कैन हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। यस यू कैन हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। ओपन करो इसको, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसकी वेबसाइट पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। क्लियर? यस क्या करना है आपको ना, ये जो मैं जितने भी आपको मैं वेबसाइट देता हूँ वहां के जो लोकल जो सप्लायर्स की जो वेबसाइट्स हैं, यू गो देयर। ओके अच्छा एक ना वहां पे मोनोरेल दुबई टिकट है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसी होती है, विच इज बहुत प्यारी टिकट्स होती हैं वो, मतलब जो
सिर्फ $5 की है वो पर एडल्ट, $5। वो पता है कैसे बना हुआ है? आपने ना कभी वीडियो गेम्स में देखा होगा कि वो ना फ्लाई ओवर्स जो बने होते हैं ना, उनके पिलर्स पे चलती है ट्रेन। उन्होंने फ्लाई ओवर्स को ना यूज किया हुआ है। फ्लाई ओवर्स के जो कॉर्नर्स होती है ना, अच्छा मतलब उसको पता है कैसे बनाया हुआ है? पिलर्स के ऊपर कोई रोड नहीं है, पिलर टू पिलर वो ट्रेन चलती है। मैं आपको बताता हूँ, स्टिकरी कॉस्टिंग है $5, लेकिन ये खाली आपको 10 मिनट की राइड मिलती है, और ये बहुत प्यारी राइड होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, मोनोरेल इन दुबई। ये दिख रहा है आपको मोनोरेल? ये दिख रहा है आपको? यस सर, ये ना मोनोरेल है। ये बेसिकली कोई रॉड नहीं है, पिलर्स टू पिलर्स चलती है। ये दिख रहा है आपको? ये यस बहुत प्यारा राइड है। ये तो आप ये आप उसको दे सकते हो, जिसे एड ऑन सर्विस है ये $5 की। और ओके कि अगर आपको पैकेज बेस्ट बनाना है तो दिस इज एड ऑन सर्विस। क्लियर? उसके बाद वहां पे ऑब्वियसली डेजर्ट सफारी है। ओके लिख लो। हम लोग क्या करते हैं, लिखो प्लीज, डेजर्ट सफारी, विथ बारबेक्यू डिनर या फिर लंच। लिख रहे हो आप? हाँ जी सर। अच्छा कॉम्बो में करते हैं, कॉम्बो पैकेज में देते हैं इसको हम। ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डेजर्ट सफारी विद आपका बारबेक्यू, जो आपका जो बारबेक्यू जो होता है आपका डिनर या फिर लंच। ओके इसको हम क्लब करते हैं, इसकी कोटेशन पड़ती है, अगर हम कंबाइन करते हैं $66, 4 आवर्स का ट्रिप है ये। ओके इसमें क्या क्या चीजें आपकी एड ऑन है? इसमें आपका ट्रैवल विद 4x4, यू नो जो जीप होती है 4x4, ओके लैंड क्रूजर, आप वहां रेत पे रुकोगे एंड यू टेक द पिक्चर्स। समझ आ रहा है आपको? ऑन टेबल फुल वेटर सर्विस है आपकी, जो खाने के लिए। यू एंजॉय अ कैमल राइड भी वहां पे है, बारबेक्यू भी है वहां पे। ओके एंड वहां पे ना बेली डांसिंग शो होता है, जिसको बोलते हैं तानुरा डांस शो, और बेली डांसिंग शो तो वो भी इसमें है। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ रहा है ट्रिप? यस। इसके ना अलग अलग पैकेजेस हैं, कि अगर आपको ये ट्रिप 7 आवर्स का लेना है, जैसे अभी हमने दिया 4 आवर्स का $65 का, और यही अगर आपको 7 आवर्स का ट्रिप लेना है कि नहीं मुझे इसको 7 आवर्स ट्रिप चाहिए, ये वाला यही वाला, तो इट कॉस्ट $105। समझ आ रहा आपको? इसका अपना सप्लायर है टीम, सप्लायर की मैं आपको इंफॉर्मेशन डाल रहा हूं। ये ना कुछ सप्लायर्स हैं, आप इनको एक्सप्लोर करोगे टीम। ओके ये, और ये डायरेक्टली बेस्ट पार्ट क्या है, ये डायरेक्टली वहीं के सप्लायर्स हैं। इज इट क्लियर टू यू? तो अगर आपका दुबई चांस, सभी सप्लायर से एक बार मीटिंग करके आओ। क्लियर? देखो जैसे हमारे पास अभी हुई विजिट स्टूडेंट लेवल, तो क्या, सप्लायर से बात अभी से करना शुरू कर रहे हैं। अभी हमारे जैसे हाँ अभी से हुई आप विजिट बनाओ ना स्टूडेंट प्रोफाइल, लेवल। तो अभी से क्रिएट करना शुरू करो ना आप। क्लियर? एटलीस्ट द पीपल विल नो यू एटलीस्ट। तो फर्स्ट बात करके एक बार दुबई जाना चाहिए एक बार हाँ विजिट। एक बार ये सजेशन तो यही है कि एक बार आप
जाओ वहां पे उनसे मिल के आप आओ। देखो उसमें। होलसेलर बनना भी बड़ी बात नहीं है पैकेजेस में वीजा में, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। होलसेलर कोई बन सकता है, इट इज जस्ट यू हैव टू गो देयर टू मीट देम एंड यू क्रिएट योर एजेंसी। क्लियर? ओके। तो कुछ कुछ प्रोग्राम्स में आपके पास ग्रुप टूर्स आ रहे हैं, कुछ हर से मिल के आओगे आप। क्लियर? ये क्योंकि ये डायरेक्टली वहीं के, पहले इनसे आप एक पहले फोन पे बात करोगे या पहले ईमेल में बात करोगे, देन यू अलाइन योर मीटिंग्स विद देम। इज इट क्लियर टू यू? फिर मैं इकट्ठे जा एक जाते हैं अपना वीजा अप्लाई सरदूल सिंह। करेंगे तो हेलो बिल्कुल, सर, हम मतलब इकट्ठे जा हेल्प जाते के हैं, काम। सरदूल सिंह जी का नंबर दे देने मुझे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस हम प्लान कर लेंगे इकट्ठा सरदूल सिंह और यस मैं। यस अच्छा यस, ये बढ़िया बढ़िया रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका एक्सपेंस भी मैनेज हो जाएगा एक्सप्लोर और वेरी करे आएंगे सर सारा देख के। हाँ यस यस। पहले ना इनसे आप पक्का, पहले इनका प्रोफाइल बनाकर ना यहाँ से बात करके निकलना, ठीक है? ओके। जैसे याक्ट वाले हैं, ओके याक ठीक है चुअर, सर। देखो मैं आपको चीज बताता हूँ, याक चुअर जो है बेसिकली पूरे वर्ल्ड को वही हैंडल कर रहा है, याक टूर, याक्ट वाले क्रूजेस में। तो आप उनसे मिलो, ठीक है? जिससे कि आपके पास अगर होलसेल रेट आएगा तो इट विल बी अब जैसे मैंने आपको ये वाला जो अभी भेजा है सप्लायर का जो इंफॉर्मेशन, आप उनको उनको कांटेक्ट करो, ठीक है? कि वी वांट टू मीट यू गाइस, आई थिंक यू आर अ सप्लायर, यू हैव रेट्स फॉर द एजेंट्स, वी हैव एजेंसी इन इंडिया, ठीक है? वो कहेंगे यस यू कम एंड मीट मीट अस, इज इट क्लियर टू यू? सर ओके। तो ऐसे बहुत सारी वहां पे हैं दुबई में, जैसे आपका बुर्ज खलीफा है। अब बुर्ज खलीफा में 125 फ्लोर पे आपका, इसको हम कॉम्बो भी कर सकते हैं, कोटेशन थोड़ी सस्ती पड़ती है। लिखो हम क्या करते हैं कॉम्बो में, डेजर्ट सफारी हम ऐड करते हैं, दुबई डेजर्ट सफारी एंड बुर्ज खलीफा का 124 125 फ्लोर पे आपका डिनर या फिर लंच। ओके। इसका कोटेशन पड़ता है आपका $110 का। क्लियर हो रहा है टीम आपको? यस तो सबसे पहले कॉम्बो का 110 डॉलर सर, क्या कह रहे हो? कॉम्बो का हाँ $110 का। ओके। प्राइस पता सबसे पहले क्या करना है आपको टीम, जो मैंने ये वेबसाइट्स जो आपको, जो मैंने ये जो टूल्स भेजे हैं, उन टूल्स को एक्सप्लोर करके अपनी ना, मैं डेली बेस पे आपको बोलता हूँ कि एक पीपीटी क्रिएट करो, वर्ड पे एक पीपीटी क्रिएट करो, सो दैट कि आप एटलीस्ट दुबई, अब दुबई के पासिस भी हैं, दुबई के आपके एक्सप्लोरर पास ही मिलते हैं, 60 डेज के, 3 से 7, अगर आपको लंबा स्टे करना होता है वहां पे, दुबई के फ्लेक्सी पासेस भी हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं वहां पे। क्लियर? लेकिन ये एक मेन चीज है कि आप दुबई जा रहे हो, उसको 2 दिन, आप एक दिन मरीना क्रूज दे दो, एक रात आप 2 क्रूज में डिनर करा दो। क्लियर? डे टाइम में आप ये इसको एक्टिविटीज दे दो। समझ आ रहा टीम आपको? यस सर। अब क्रूज दिया 2 दिन, कोटेशन सिर्फ $100 तक गया हुआ, 110 120 डॉलर तक। अब उसको ये होगा कि हाँ यार मैं 2 दिन में क्रूज में डिनर करके आया हूँ। क्लियर हो रहा है आपको? ओके। सो पहले आप इन सप्लायर को कांटेक्ट करो एंड दे पीपल विल हेल्प यू इन योर वीजा ऑल्सो। वीजा का तो ऑलरेडी यू हैव अ सप्लायर राइट, लेकिन वीजा इज नॉट अ गेम फॉर दुबई, वो तो बहुत इजी है। क्लियर? लेकिन कस्टमर को गाइड करने के लिए कि वीजा 2,000 का है, 3,000 का है, 4,000 का है, 5,000 का है, 6,000 का है, ठीक है? जो भी हो आपको उसका नंबर ऑफ डेज पे जो भी वीजा की कोटेशन आ रही है, दुबई की टिकट मान लो एक लो सीजन की बात करते हैं, मान लो कि कम से कम मान लो 22,000, मान लो 20,000 की टिकट आ रही है। अब इस पैकेज को लगाओ कि अगर मैं ये पैकेज भी देता हूँ, मान लो इसकी कोटेशन आ रही है, मान लो फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये जो हम ये पैकेज अगर हम बना रहे हैं, छोटे छोटे जो हम पैकेज उठाएंगे। क्लियर? तो बेसिकली क्या है, अच्छा आप
अपने आप को खुद पैकेज बनाओ, टिकट्स को देखो क्लियर, सप्लायर से बात करो, जो मैंने आपको भेजे हैं 2 होटल्स के सप्लायर्स, उन पे अपना अकाउंट क्रिएट करो। इज इट क्लियर टू यू? मैं एक नंबर पास करूंगा आपको, ठीक है, उनके सेल्स का, तो वो आपको फॉर्मेलिटीज बता देंगे कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज है उस पर रजिस्टर्ड करने की, जो मैंने एक को फर्स्ट होटल का भेजा था। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। ठीक है, तो इसको एक्सप्लोर करो, थोड़ा देखो, पीपलीज क्रिएट करो। ओके, ठीक है टीम, तो मैं इसके पहले, अच्छा अपने एक बार मुझे ना ईमेल एड्रेस भी डाल दो दोबारा से, एक बार मेरे को व्हाट्सएप पे, ठीक है। सर एक एंड का नंबर दे दीजिए मुझे, सरदुल सिंह जी का व्हाट्सएप। हाँ कर लो आप सरदुल जी, रुको मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, ठीक है, मैं व्हाट्सएप, रिकॉर्डिंग बंद कर दो सर, यहीं ले लेते। कोई नहीं, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ अभी 2 मिनट में आपको, ठीक है। ठीक है। ठीक तो सर सर मैंने ना एक जमन आई के बारे में बात करनी है आपसे, फोन पे करता हूँ अभी ठीक है, ठीक है, सारे। ओके।